सरहदी जिले बाड़मेर में नवसृजित राजस्व गांव को लेकर हर जगह विरोध सामने आ रहे हैं। वहीं सेड़वा उपखंड के सिहार गांव से नवसृजित राजस्व गांव अंबेडकर नगर बनाने पर गांव के लोगों द्वारा असहमति व्यक्त करते हुए उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि गांव के लोगों को भ्रमित कर अनुमानित व गलत तथ्यों को आधार पर नए गांव अंबेडकर नगर का सृजन किया है, जो पूर्ण रूप से नियम विरुद्ध है। ग्रामीणों ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी व हल्का पटवारी, तहसीलदार, भू अभिलेख निरीक्षक ने मिलकर गलत तथ्यों को प्रस्तुत किया है। जनसंख्या में जो मापदंड दिए हैं वह भी गलत है। भूमि का प्रस्ताव अवैधानिक है। ग्राम पंचायत द्वारा जो खसरा संख्या 341/118 अंबेडकर नगर के लिए अलॉट की है, वह पूर्व में पाक विस्थापितों की आबादी भूमि है और ग्राम पंचायत की बैठक में समस्त वार्ड पंचों व गणमान्य नागरिकों के फर्जी हस्ताक्षर कर प्रस्ताव को अनुमोदन किया गया है। हमारे राजस्व गांव जो सियार है उसमें से नया गांव बन रहा है, हम उसके खिलाफ हैं। हमारे को सब सुविधाएं गांव में मौजूद है, फिर भी ये राजनीतिक दबाव और प्रशासनिक अधिकारी की मिलीभगत से जो नया राजस्व गांव बना रहे हैं वो एक फर्जी तरीके से बनाया जा रहा है। उसमें से जो जनसंख्या विवरण दिया गया है वो भी गलत है और जो दूरियां बताई गई है, स्वास्थ्य केंद्र है, डॉक्टर है, विद्यालय है, जलदाय विभाग की है, जो बाकी सब हमारे नदी की है। हम नए राजस्व गांव में यानी नया गांव बनाना नहीं चाहते हैं। हम जिसमें है उसमें ही रेडी है और हमें नया राजस्व गांव नहीं बनाना है। जो हमारा गांव नया राजस्व बनाया है वो गलत बनाया है, हमारे को पूछा गया नहीं है, वो गलत हमारे खसरे दिए गए हैं। जो हमारा गांव है वो जत्था उतरना चाहिए, अपनी मनमनी से और राजनीति के हिसाब से हमारा गांव बनाया गया है, जो हमारा कोई मालूम नहीं था। इससे हम पूरे गांव के लोग थे, लोग मंत्री सब एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपने के लिए आया हूँ। इस एसडीएम साहब से हमारा निवेदन है कि हमारा जो ज्ञापन है इसको स्वीकार करिए, अंबेडकर नगर इसको किया जाए। उक्त कार्य को ग्राम विकास अधिकारी ने किया है। वहीं बताया कि जनसंख्या में भी जिनके संतान नहीं है उनके भी 8-8 संतान बनाकर संख्या बढ़ाई गई है। समय रहते ध्यान नहीं देने पर अनिश्चित धरना व चुनाव बहिष्कार की चेतावनी दी है।